बैजनाथ व इसके आसपास के इलाकों में आजकल लाइट कैमरा एक्शन देखने को मिल रहा है। मुंबई की राजवंश फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर, भोले बाबा व आसपास के मंदिरों के इतिहास को लेकर बने गीत की एल्बम की शूटिंग विधिवत मुहूर्त से शुरू हो चुकी है। अगले 2-3 दिन तक इस गीत की शूटिंग बैजनाथ व इसके आसपास के क्षेत्रों में की जाएगी। मुंबई की कंपनी राजवंश फिल्म प्रोडक्शन के एमडी अंशुल दिमान ने बताया कि बैजनाथ के गायक कलाकार मिनी गुरदास मान के नाम से मशहूर गायक बॉबी मान के गाने को लेकर एल्बम तैयार करने के लिए उनकी टीम मुंबई से बैजनाथ पहुंची है। उन्होंने कहा कि शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शूटिंग का मुहूर्त पूरा किया गया और अगले 2-3 दिनों में ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ, मुकुटनाथ मंदिर सांसल, अवाई नाग मंदिर, शीतला माता मंदिर व महाकाल मंदिर में इस गीत को फिल्माया जाएगा तथा अपने कैमरे में कैद करके बढ़िया एल्बम तैयार की जाएगी। ग्रामीण इलाकों की जनता की समस्या को उनके घर द्वार पर निपटाने के मकसद से इस बार भी जनमंच कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश भर में किया गया, जिसमें अधिकारियों के समक्ष समस्याओं को रखने और उनका मौके पर समाधान करने के लिए बिलासपुर जिला में कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडे ने भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां भी लगाई गई थी, जिसमें कृषि विभाग द्वारा जीरो बजट प्राकृतिक खेती और उसके फायदे सहित कृषि उपकरणों की जानकारी दी गई थी। स्थानीय किसानों तक पहुंचने के लिए खास तौर पर ये स्टॉल लगाया गया था, तो साथ ही निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया गया था। कार्यक्रम के दौरान रामलाल मारकंडे ने एक बूटा बेटी के नाम और बेटी है अनमोल योजना के तहत नवजात बच्चियों के परिजनों को एफडी और एक पौधा भी वितरित किया। वहीं जनमंच कार्यक्रम की जानकारी देते हुए रामलाल मारकंडे ने इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार जनता के घर द्वार पर पहुंचकर उनके समस्याओं का समाधान करने की बात कही। अमेरिका की गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता में बिलासपुर के स्वास्तिक ने मात्र 1 मिनट में 70 शब्दों को याद किया और उसका सटीक जवाब दिया। बिलासपुर के नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले स्वास्तिक मूल रूप से सोलन जिला के सुबाथू के समीप नौरा खंडोल गाँव के निवासी है। स्वास्तिक ने बताया कि यह एक ऑनलाइन परीक्षा थी और कोई भी इस परीक्षा में भाग ले सकता था। कंपनी ने जो उनसे प्रश्नावली दी थी उसका पूरा वीडियो बनाकर भेजा गया और उस समय करीब 20 से 25 लोग उपस्थित थे। कंपनी ने पूरे वीडियो को देखने के बाद ये तय करने के बाद कि इसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, उसके बाद उसे प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इससे पहले ये विश्व रिकॉर्ड 1 मिनट में 50 शब्दों को याद करने का था, जिसे उन्होंने तोड़ा है। स्वास्तिक के अनुसार उसने तेज याददाश्त रखने वाले कोई भी व्यक्ति इस रिकॉर्ड को कभी भी तोड़ सकता है। इससे पहले स्वास्तिक राइटिंग फास्टेस्ट पीरियोडिकल में विज्ञान के फॉर्मूले 83.38 सेकंड में लिखकर विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। जबकि पहले ये रिकॉर्ड 90 सेकंड का था। बिलासपुर के जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में तैनात डॉक्टर प्रवीण व डॉक्टर संदीपा का बेटा स्वास्तिक गर्ग आरंभ से ही विलक्षण प्रतिभा का धनी है। वर्तमान में वे बेंगलुरु के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई कर रहा है। वर्ष 2017 में स्वास्तिक ने अमेरिका की गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शार्प मेमोरी की ऑनलाइन परीक्षा में भाग लिया था, जिसका प्रमाण पत्र 3 दिन पहले ही उसे मिला है, जिसमें उसने याददाश्त के मामले में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। स्वास्तिक को कंपनी ने याद करने के लिए 70 शब्द दिए थे, जिसने उसे 1 मिनट में याद किया और सीधा व उल्टा बताने के अलावा बीच में कौन से क्रम पर शब्द कौन सा है ये बताकर प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया।
पूर्व सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के प्रबल दावेदार वीरेंद्र कश्यप ने इन्वेस्टर मीट को लेकर कांग्रेस पर कई तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से हिमाचल के विकास में रोड़ा डालती आई है। औद्योगिक पैकेज की अवधि भी उन्हीं की वजह से कम हुई थी। युवाओं के रोजगार के साधन उन्हीं ने छीने थे। अब हिमाचल में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने जा रही है तो कांग्रेस इसे भी पचा नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसमें खामियां देख रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हिमाचल की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और उनके बहकावे में नहीं आएगी। पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि अभी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ ही नहीं है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसके खर्च का हिसाब किताब मांगने लगे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को सलाह दी कि अगर वे हिमाचल के विकास में योगदान नहीं देना चाहते हैं तो बेशक ना दें, लेकिन वे विकास कार्य में बाधा ना बने और हिमाचल की जनता को अनाप शनाप बयानबाजी कर गुमराह ना करें। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और हिमाचल अधिक समृद्ध होगा, ऐसी बात भी कही।